तो गाइस आज मैंने फिर से दीदी को बेल्ट बैटल में चैलेंज किया और यहाँ पे देखो मैंने एकदम सॉलिड बेडरो का दीवार बना दिया ताकि दीदी को बिल्कुल भी ऐसा लगे नहीं कि चीटिंग हो रही है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है हम लोग अनोखा अनोखा तरीका अपनाते हैं चीटिंग करने का। तो यहाँ पे मैंने ये पोर्टल मोड डाला है भाई, ये पोर्टल गन है। ये दुनिया की सबसे एपिक चीज है यार। देखो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये पोर्टल बन गया है, यानी कि ये दोनों अब रास्ते बन गए। मैं जैसे इधर जाऊंगा उधर से बाहर निकला हूं मैं। ये देखो कितना कमाल का है ना। अब यहाँ से ये बहुत ही सही मोड है यार। यहाँ से जाएंगे या बाहर आ गए। तो आज हम चीट करने के लिए इसका बहुत ही गजब तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलो अभी दीदी को बुलाते हैं। तो चलो दीदी आज हम लोग फिर से बिल्ड बैटल चैलेंज करते हैं। आजकल तुम बहुत प्रो हो गई ना, तो चलो दोबारा से बिल्ड बैटल चैलेंज हो जाए। चलो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और वैसे भी जीतने के लिए तो मैं एकदम से रेडी ही रहती हूँ। जीतोगे तो बिल्कुल नहीं जीतोगे। ऑब्वियसली जीतने वाली हूँ मैं। तो चलो फिर अभी 5 मिनट का टाइम है, क्या बनाए हम लोग आज? मैं सोच रही हूँ की हम लोग आज कुछ भी बना लेते हैं। मतलब तुम कुछ भी अपना जो मन है वो बनाओ, मेरा जो मन आएगा वो मैं बनाती हूँ। ओ इसका मतलब टॉपिक नहीं पता होगा हमें। हाँ एकदम सही। अरे यार ये तो बहुत ही अजीब सा बात नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा तुम क्या बनाने वाली हो या मैं क्या बनाने वाला हूँ? यही तो बहुत बढ़िया बात है इसमें। तो इसमें से देखेंगे कि किसका सबसे अच्छा बना और वो विनर हो जाएगा। ओके ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बना लूंगा जो बनाना होगा। तुम्हें दिक्कत होगा आई थिंक। और तुम्हें एक बात मैं बता देती कि चीटिंग नहीं करना। चीटिंग तुम करती हो, मैं कभी नहीं करता। मैं एकदम सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ। अच्छा आज तक कभी देखा है मेरे को चीटिंग करते? मैंने कभी किया नहीं किया। अभी जाओ फिर टाइम शुरू होने वाला है। 5 मिनट का टाइम है। 1 2 3 लेट्स गो। जाओ अपने साइड से। गाइस यार देखो हम लोग कितने भोले हैं, कभी हम लोगों ने चीटिंग किया है नहीं, कभी भी नहीं, और मैं करूंगा भी नहीं यार। तो अभी मेरे को यहाँ पे पोर्टल बना लेने दो, मैं चीटिंग नहीं करने वाला। यहाँ पे मैंने एक पोर्टल बना लिया है। दूसरा पोर्टल देखो हम दूसरा पोर्टल ना वहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके। वो देखो वहाँ पोर्टल खो गया है। ये सबसे सही रहता है। अगर मैं ज्यादा ऊपर जाऊंगा तो दीदी मुझको देख लेगी, लेकिन आईसीएस को पता ही नहीं चलेगा ना। अभी 1 सेकंड में हम लोग वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाएंगे। ये देखो मैं पहुंच गया। ये पोर्टल बड़ा कमाल का चीज है। ये सामान निकाल रही है, अभी तक तो इससे तैयारी शुरू भी नहीं की। इतनी स्लो है यार, ऐसे नहीं जल्दी बनाए। अपना भाई इंतजार कर रहा है बिल्ड के लिए। ये देखो उसको क्या बना रही है। ओ, चलो उसको देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तब तक हम लोग भी कुछ सेटअप कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ तो कर ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले एक कार बना लेते हैं छोटी सी। मेरे को नहीं लगता दीदी कुछ खास अच्छा बनाएगी, तो मैं यहाँ पे ना एक गड्डी बना लेता हूँ। पहले तो नीचे में 4 पहिये दे देते हैं यहाँ पर और अब ऐसे करके हम यहाँ पर इसका बेस बना देते हैं। वो इस तरीके से काफी सही लगेगा ना ये। तो ये बेस तो अपना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आगे दीदी कार तो नहीं बना पाएगी इतना अच्छा जितना मैं बना रहा हूँ। एक बार चलो झांक के आई जाते हैं यार, उसको क्या तो पता चलने वाला है। तो चलो यहाँ से चले। ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा है मेरे को। ऊपर में तो विंग हेलीकॉप्टर की होता है ना। गजब लग रहा है यार। देखो इससे ना हम लोग दूसरे दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। ये देखो हम लोग एक बार उस एंगल से देखते हैं। तो हम लोग वहाँ पे पोर्टल अपना शूट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक पोर्टल बनाते हैं। तो ये और ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो वहाँ निकलेंगे। ओ यहाँ से देखो, ये देखो यार क्या बना रही है दीदी। वो देखो गाइज ऐसे तो मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, लेकिन क्या है कि अब गाड़ी को कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोग अपनी जगह में चलते हैं और भाई ये गाड़ी बनाना कैंसिल। अभी हम लोग दीदी का देख देख के अच्छे से एकदम बनाने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे पोर्टल को सेटअप कर देते हैं। वो और अभी हम लोग अपने गाड़ी को तोड़ते हैं चुछ 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 चुछ। और अब लाइन बाय लाइन देखते हैं कि दीदी क्या क्या यूज कर रही है। तो चलो तो सबसे पहले दीदी ने विंग्स के लिए ट्रैप डोर लिया है, वहाँ पर एक स्लैब। इसे दीदी क्या बोल रही है यार, इसके मुंह से भी सुन लेते हैं। 1 मिनट यार मैं तो हेलीकॉप्टर बना रही हूँ, मजा ही आ जाएगा। देखो कि मैं आयुष क्या बनाता है। मुझे इतना तो श्योर है कि वो हेलीकॉप्टर तो कभी नहीं सोचेगा। अरे यार ये सोचेगा कि मैं कुछ इजी सा बनाऊंगी, उसका क्या पता। आई एम वेरी स्मार्ट। अरे यार दीदी ने तो बहुत ही गजब बनाना शुरू कर दिया। कोई नहीं हम लोग खाना चीटिंग करने के लिए। नहीं मतलब चीटिंग नहीं, मतलब हम लोग देख रहे हैं खाली, कुछ नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ ट्रैप डोर है, यहाँ पे ब्लैक टेराकोटा बटन, आयरन का ब्लॉक और स्लैब। अच्छा अभी दीदी देखे इसके पहले भाग लेते हैं। ओके तो चलो अभी दीदी की तरह बनाना शुरू करते हैं, मजा आएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से उसने ब्लैक कंक्रीट लगाया था, यहाँ पे लगाया था इस तरीके से स्लैब का बॉटम।
बॉटम। ये बेस तो हो गया है, अभी जहां तक मेरे को याद है ऊपर में ग्रे कंक्रीट लगाया था ना दीदी ने, यहाँ पे इस तरीके से इसको शेप दिया था। अच्छा अच्छा मैं समझ रहा हूँ। और यहाँ पर हम लगा देते हैं ग्लास ताकि भाई पायलट भैया हमारा देख सके ये क्या हो रहा है। दीदी ने भी शायद ऐसा ही किया था। उसके बाद में यहाँ पे आयरन लगा देते हैं जो दीदी ने भी लगाया, और यहाँ पे हम लोगों ने आयरन का स्लैब लगा दिया। हाँ इस तरीके से आई थिंक ये हेलीकॉप्टर का फ्रंट लग रहा है ना, क्या बोलते हो तुम लोग? मेरे को तो लग रहा है काफी अच्छा। तो अभी मुझे ऊपर विंग्स बनाने हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं, तो चलो दीदी का देख के आते हैं। ध्यान से ट्रैप डोर से बनाया ना आयरन का। अच्छा और बस मेरा तो ये खत्म होने वाला है, अभी मैं आयुष से पूछूंगी कि उसका कितना हो गया है। यार ये तो अच्छा लग रहा है, उसने तो पीछे का भी बनाया है। यार गाइस ये क्या हो रहा है, अच्छा लुक आ रहा है। ओहो आई एम सो प्राउड ऑफ इट। इसने अभी तक ग्लास नहीं लगाया, मैंने खुद से ग्लास लगा दिया और वहाँ पे आयरन का लगा के बटन भी लगाया, नीचे भी बटन लगाया, ऊपर ट्रैप डोर है। और चलो ठीक है सीट बनाती हूँ, मैं समझ गया जल्दी जल्दी करना होगा गाइस। यहाँ से इसको ऐसे, वो दीदी तो एकदम हैरान हो जाएगी कि दोनों ने सेम हेलीकॉप्टर कैसे बनाया, बल्कि तो हेलीकॉप्टर बनाने की कोई बात भी नहीं हुई थी। बहुत मजा आएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि सेटिंग के लिए इसमें बार लगा दिया जाए जिससे ये बहुत अच्छा लुक देगा। यार दीदी तो क्या क्या बना रही है, मुझे भी थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसे ऐसे किया, अभी ऊपर में विंग बनाना है। यहाँ पे हम लगाते थे फैंस और इसके ऊपर में हम ऐसे करके ट्रैप डोर सेल बनाएंगे। ये ट्रेन वो लुक दे रहा है भाई, लुक दे रहा है गजब, एकदम लग रहा है अपना तो हेलीकॉप्टर। यहाँ से भी इसे खींच देते हैं और यहाँ से भी, वो ये काफी सही लग रहा है यार। अभी बस इसका बॉटम बनाना है। दीदी ने क्या बनाया बॉटम के लिए? वो अच्छा बस अब थोड़ा सा आगे का ग्लासेस लगा देती हूँ एंड यही कंप्लीट होने वाला है। ये उसका होने वाला है, हमारा भी होने वाला है। यहाँ से हम इसको पीछे खींच देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं आयरन एंड ये ग्लास 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 ये ग्लास। हाँ नाइस, ये अच्छी लग रही है। को बस हमारा भी हो ही गया है गाइस। अब हम लोग इसको यहाँ पे इतना लंबा कर देते हैं और इसको यहाँ से कवर कर देते हैं। और अब हमें इसका बनाना है पीछे का बेस, तो बेस के लिए हमें थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा जैसा कि दीदी ने बनाया है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर का बेस हो गया। यहाँ पर पीछे खींच के इसको उठा देने का, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पर फेंस लगा के एक, दीदी ने यहाँ पर भी इसे कुछ लगाया था। तो अभी इसका बेस बना लेते हैं। दीदी ने यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगाए थे और ऊपर में लगाया हुआ था लीवर, उसको ऑन किया। वो अरे यार गजब लग रहा है ना। और फिर यहाँ पर रेडस्टोन का एक रिपीटर लगा देते हैं। और चलो एक बार और लास्ट बार जाके देख के आते दीदी ने क्या किया है। ओ यहाँ पे रुको, मैं कुछ पीछे के एंगल से देखना है, तो मैं वहाँ पे पोर्टल खोलता हूँ। अभी यहाँ से वहाँ चलते हैं, ये देखना वहाँ से निकला मैं बाहर। हाँ और यहाँ से मेरे को पीछे का पूरा अच्छे से दिख रहा है। ओके अच्छा यहाँ पे नीचे भी ट्रैप डोर लगाया दीदी ने और ये काफी चौड़ा बना दिया। चलो कोई नहीं, मेरा चौड़ा नहीं है वैसे तो, दीदी पिछले वीडियो में भी मोटी हो गई थी। तुम लोगों ने देखा था कि कितना मजा आया था। अभी चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और वहाँ पे मैं पोर्टल खोल देता हूँ और अभी मैं यहाँ से वहाँ निकल जाता हूँ। लेट्स गो, मैं अपने वाले में आ गया। तो यहाँ पर हम ऐसे करके पहले तो ट्रैप डोर लगा देते हैं और इधर से भी इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और सॉलिड लुक आए, इतना ही ठीक रहेगा। और फिर यहाँ से भी हम लोग इसको सेम चीज कर देते हैं। वो भाई अपना तो पूरा रेडी है इसको। रुको यहाँ से थोड़ा फीका फीका लग रहा है तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और दीदी का रेडी हो गया क्या? चलो अभी दीदी को पूछते हैं जोर से। दीदी तुम्हारा है नहीं मेरा मतलब तुम्हारा बिल्ड रेडी है क्या? हाँ मेरा बिल्ड एकदम रेडी है, तुम्हारा रेडी हो गया? हाँ मेरा तो है मतलब है, हाँ मेरा तो हेली मतलब बिल्ड मेरा एकदम रेडी है। हाँ ओके तो फिर आ जाओ देखने के लिए। चलो हाँ दी मैं आ रहा हूँ। ओके मैंने बहुत अच्छा बनाया हेलीकॉप्टर, बीस को ट्रोल करेंगे हम लोग जाके देखो। अब बदला लेंगे दी, बीच में आ जाओ फिर तुम बहुत चिटिक 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 करती हो। आओ इधर, मैं अभी तक आया नहीं तुम्हारा देखने के लिए, इधर आओ। ओके मैं आ गई हूँ। चलो तुम्हारा बिल्ड देखने चलते हैं, आ जाओ। लेट्स गो। ये देखो मैंने क्या बनाया है, तुमने एक्सपेक्ट किया था मैं हेलीकॉप्टर बनाऊंगी। तुमने ये हेलीकॉप्टर बनाया तुमने? माय गॉड दीदी तुमने चीटिंग किया है, मैंने भी हेलीकॉप्टर बनाया यार। मैंने तो कोई चीटिंग नहीं करी है, तो मैंने खुद से बनाया एकदम सोच समझ के। और मैं तो सोची तुम सोचोगे कि मैं एकदम इजी सा बनाऊंगे, पर देखो मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है। चलो मेरे को एक बार टूर तो दो, चीटिंग का तो हम लोग बाद में देखते हैं, टूर दो मेरे को हेलीकॉप्टर का तुम्हारा। आओ पहले मेन तो ये हेलीकॉप्टर के अंदर में ही है जहाँ पे सब एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं, कॉकपिट बनाया है ये मैंने। ओके और फिर उसके बाद
बात नहीं, यहाँ पे पैसेंजर्स भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे पैसेंजर्स की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो हाँ यहाँ पे थोड़ा, अरे बहुत है। चलो ठीक है। और फिर इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे इसके विंग्स बनाए हैं यहाँ ऊपर में। ये तो काफी हद तक भाई मेरा उठाया हुआ है। अबे बोल रहा, मैंने तो कोई तुम्हारा जैसा नहीं बनाया, मैंने अपना बनाया है। अबे आओ तुम मेरा देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम बहुत चीटिंग करने लगे। क्या बनाया तुमने? भी हेलीकॉप्टर बना दिया। वही तो, बल्कि रैंडम टॉपिक होना चाहिए था, तुमने मेरा जैसा हेलीकॉप्टर ही कैसे बना दिया। ये देखो, ये तो तुमने एकदम सेम टू सेम ही बना दिया मेरे जैसा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमने मेरे जैसा एकदम सेम कॉपी कर लिया। ये कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा ही हुआ है। ये देखो मेरा वाला हेलीकॉप्टर, यहाँ से अगर हम जाने का एंट्रेंस तो बनाया ही नहीं। यार ये हो गया एंट्रेंस, चलो तुम आ जाओ अंदर में। ये देखो यहाँ पे जगह ही जगह है। अच्छा बना है। पर तुमने हेलीकॉप्टर कैसे बना लिया मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा था ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो गया दी? तुमने चीटिंग करी? मैंने कोई चीटिंग नहीं करी यार, तुमने एकदम सेम कलर पे बनाया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है दी, सिब्लिंग टेलीपैथी हो गया अपने साथ? मेरे को नहीं लगता कोई सिब्लिंग टेलीपैथी हुआ। हाँ यार ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बहन की सोच काफी ज्यादा मिल जाती है अचानक से, ऐसा होता है दी। ठीक है मैं मान तो जाती हूँ, पर इसका है ना तुमने टायर नहीं बनाया, मैं ये देख रही हूँ। टायर की क्या जरूरत है, हमारा हेलीकॉप्टर हवा में रहता है, ऊंचाइयों को छूता है। बहुत ही बढ़िया, वो आके सीधा ऐसे नीचे जमीन पे गिर जाता है। नहीं वो आके लैंड करता है, इट इज अ सॉफ्ट लैंडिंग। देखा हमारा ट्विन टेलीपैथी कितना काम करता है दी, अगली बार से चीटिंग नहीं करने का, समझा ना? एकदम भी नहीं। मैं तो चीटिंग कर ही नहीं रही हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें चीटिंग कर रहे। मैं तुम पे ध्यान रखूंगी बिल्कुल। हाँ तुम चाहे कितना ही ध्यान रखो, मैं कोई चीटिंग कर ही नहीं रहा हूँ, तुम्हें वैसे भी क्या ही पता चलेगा। आई मीन मैं कर ही नहीं रहा हूँ चीटिंग। ठीक है देखते हैं कितना सिब्लिंग टेलीपैथी नेक्स्ट वाला में भी काम करता है। अभी सेकंड वाले में क्या बना रहे बोलो? तो सेकंड वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, वहाँ पे भी देखेंगे कि हमारा कितना मैच करता है। ओके और चीटिंग क्या देखना। चलो फिर ठीक है, तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, फटाफट से बनाओ, देख लेना, चीटिंग नहीं करना तुम। मैं तो इतनी भोली भाली सीधी सादी सी हूँ, मैं कहाँ चीटिंग करती हूँ। कोई भोली भाली नहीं हो तुम। वाओ गाइस अपना हेलीकॉप्टर तो दीदी से भी ज्यादा अच्छा बना, हालांकि हम लोगों ने दीदी का देख के नहीं, मतलब मैंने अपना बनाया, मैं चीटिंग वीटिंग नहीं करता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग अपना पोर्टल खोलते हैं और देखते हैं दीदी क्या कर रही है। वो मुझे ऊपर से देखना ले, इसलिए हम लोग वहाँ पे पोर्टल शूट करते हैं। वो बहुत ही सही, अभी चलते हैं आराम से। वो अरे ये क्या बना रही है? अब मैं बनाऊंगी एकदम सुंदर सा बनी, जो आयुष तो कभी सोच नहीं सकती मैं क्या बनाने वाली हूँ। अब देखूंगी कि कितना सिब्लिंग टेलीपैथी काम करता है। अगर वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया ना, उसकी तो खैर नहीं है बिल्कुल भी, एकदम भी खैर नहीं। ओ माय गॉड, ठीक है इसे बनाने दो, देखते हैं हमारी क्या खैर नहीं निकालती है। अब तो हम जरूर चीटिंग करेंगे, अब तो हम करेंगे। अब तो हमें कौन रोक सकता है, इसे पहले थोड़ा सा बनाने दो, तब तक हम लोग थोड़ा पोर्टल से मस्ती करते हैं। और हम लोग अपने नए जॉइन मेंबर्स को शाउट आउट दे देते हैं। सबसे पहले आयरन क्लैन से व्हाइट 444 को, स्टोन क्लैन से अपूर्वा गेमिंग, रॉकेट एयर ड्रॉप, चित्रदीप गुप्ता गेमिंग एंड रॉयल गेमर्स वाईटी, फिर वुड क्लैन से निम्मा कृष्णा गेमर, खान कमरू जामा, आरएनआर चैनल मीडिया, जीडब्ल्यू ले शोभम और पागल प्रत्युष गेमर को थैंक यू सो मच गाइस। तुम लोग भी चैनल मेंबरशिप ले सकते हो, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं तुम लोग को शाउट आउट देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुम लोग का नाम होता है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और यार देखो मैं पोर्टल को यूज करते करते खुद कितना कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। हम लोग वहाँ से चले थे वहाँ, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से अब हम लोग यहाँ पहुँच गए लास्ट स्टेज पे। वाओ यार पोर्टल तो बड़ा कमाल का है। और दीदी का तो अभी तक थोड़ा बहुत हो गया, इसने पहले क्या बनाया? बनी का पैर बनाया है और वो पेट है क्या भाई? वायलेट कलर का कौन सा बनी होता है यार, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। तो चलो हम अपने ही इलाके में चलते हैं और बनी बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, नीचे में ग्रे कलर का, फिर ब्लैक कलर का, फिर वायलेट कलर का, फिर व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का। ओके मैं समझ गया, यस मैं अपने इलाके में आ गया। गाइस हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दीदी ने ऐसे करके कुछ बनाया था यार, मेरे को कुछ ढंग से तो समझ में आया नहीं। यहाँ पर ब्लैक था, फिर बाद में व्हाइट था क्या? नहीं पर्पल था ना, हाँ मैं उसको वायलेट समझ रहा था, लेकिन वो कलर से पता चला कि पर्पल है। यहाँ पे कुछ पर्पल दिया दीदी ने, और सुनते हैं वो क्या कर रही है। और
और यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्यूट सा बनी का फेस। यार ये तो अभी बहुत क्यूट लगने वाला, आई एम प्रीटी श्योर। अभी आईज बनाते हैं, चलो यहाँ पे आईज बनाएंगे ऐसे करके, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है ये तो। यहाँ पे करके आईज बनाएंगे, दिस इज सो क्यूट। इसको फिल कर देते हैं, अभी यहाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिल कर दो। सुंदर बन रहा है यार, कसम से रे लड़की लोग, ऐसे करके अच्छा बनाएगा तुम लोग से, चिंता मत करो। पूरा का पूरा व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। अभी देखेंगे आयुष क्या बनाते हैं, इससे ज्यादा क्यूट तो कोई नहीं बना सकता, ये तो मैं जानती हूँ अच्छे से। ओ लगता है दीदी मेरे को कुछ पूछने वाली है, रुको मैं इसको अभी माइक ऑन कर लेता हूँ। दीदी तुमने बना लिया क्या? नहीं आयुष अभी तो मेरा बन रहा है, मैं बहुत कुछ अच्छा सा बना रही हूँ, क्यूट सा। हाँ मैं भी एक बहुत ही अच्छी चीज बना रहा हूँ, इस बार तो तुम्हें पता नहीं चलने वाला कि मैं क्या बना रहा हूँ, समझी? और ये चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है इस बार। सेम, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। इस बार तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं आराम से बना रहा हूँ, देखा ना तुम, मैं एक बार भी नहीं आ रहा हूँ, मैं अपना काम पे काम कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे, पर मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ कि मैंने ध्यान ही नहीं। तुम ध्यान दोगी तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है, मेरे को समझ नहीं आया वैसे। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है कि काम पे ध्यान दो, समझी? इधर उधर की बात में ध्यान मत दो बिल्कुल भी। जी सर। यस। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मुझे कुछ अता पता ही नहीं है, इतनी क्यूट सा बना रही हूँ यार। यार तुम इतना क्यूट क्यूट कर रही हो, मेरे को लग रहा है कि तुम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रही हो क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत क्यूट है ना, वही बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके मैं समझ गया, इसका मतलब तुम कोई भी एनिमल नहीं बना रही हो, ठीक है? ओके, बहुत ज्यादा समझदार हो तुम। धन्यवाद दीदी, मैं समझ रहा हूँ मुझे भी क्या बनाना है, और इसके बाद में मुझे उसका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का चेहरा भी बनाना है। क्या मतलब? मतलब मैं भी कुछ अच्छा सा बना रहा हूँ, क्यूट सा। तुम चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, मेरे को तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ यार, अगर इस बार मैं देखूंगी कि कितना सिबलिंग टेलीपति होता है। अरे सिबलिंग टेलीपति होती है दीदी, तुम्हें यकीन नहीं है यार, तुम समझती ही नहीं हो, सिबलिंग टेलीपति होती है। हाँ देखेंगे देखेंगे, इस बार पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एकदम यूनिक चीज बना रही हूँ जो कि तुम कभी नहीं सोच सकते। अरे मैं भी जो बना रहा हूँ एकदम यूनिक है, जो तुम कभी नहीं सोच सकते। अच्छा देखेंगे। बस मुझे थोड़ा सा बनाने में तकलीफ हो रहा है, इसलिए मुझे बार बार है ना क्या है कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है उसके लिए। मतलब क्या ट्रैवलिंग? कुछ क्या, नहीं मतलब, यार मतलब तुम हर चीज का मतलब मत पूछा करो, तुम काम करो दी। ठीक है। हाँ ये हुई ना बात। गाइस मजा आ रहा है मेरे को तो, अभी मैं इसका पूरा चेहरा बना देता हूँ बड़ा सुंदर सा। यहाँ पे ये बनी भी बड़ा गजब का लगेगा यार, व्हाइट कलर का बड़ा अच्छा बना रही है दीदी वैसे तो। हाँ वैसे ये बनी जैसा लग रहा है कि आई डोंट नो, मेरे को तो ये बतख जैसा लग रहा है दीदी का, मेरे को अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो क्या बना रही है। यार दीदी का तो काफी हद तक बनी जैसा लग रहा है, मैंने क्या गलती की है? ओ यहाँ पे पीछे डबल लेयरिंग और फिर मुंह बना दिया इसलिए लग रहा है, नहीं तो मेरा अभी पूरा ही लग रहा है यार। ये देखो बस मेरे को मुंह ही तो बनाना है, अभी बन जाएगा आराम से। और यहाँ पर हम लगा देते हैं इसका मुंडे, यहाँ पे कर दिया ऐसे और इसको हटा के ऐसे, यस। और अभी इसकी आंखें बना देते हैं, यहाँ पर लगा दिया आंखें और फिर यहाँ पर भी हम लगा देते हैं आंखें। अब लग रही है ना ये बनी, अब कोई बोल के बता दो ये बतख है। इसको और ऊपर कर देंगे हम, और ये हम लोगों ने ऊपर की लेयरिंग कर दी, अब तो भाई सॉलिड। अब इसकी कान बना देते हैं तो एकदम परफेक्ट बनी हो जाएगा ये, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर भी सेम हालत लेके आ जाते हैं, गोजो भाई साहब छोटा पैकेट बोड़ा धमाका, साइड से थोड़ा सा बतख जैसा लग रहा है, इसको भी हम बनी बना देते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो अब दीदी का देख के आते हैं, अपना तो काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से चलें। और दीदी देख लेगी यार, वाह यार, इस तरीके से हाथ बनाने का, ठीक है मैं अभी हाथ ही बनाने वाला था, तो चलो अभी अपन भी हाथ बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको कर दिया आगे, और यहाँ पर इसका हाथ बना देते हैं ग्रे कलर का, भाई बहुत सही लग रहा है, और इसको कर देते हैं ग्रे कलर का, वो बहुत सही यार, मस्त लग रहा है रे, सच में क्यूट लग रहा है। अभी देखते हैं दीदी और क्या बोल रही है, इसका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी तो पता चलना चाहिए मेरे को। अभी इसके हाथ में दे देते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स इसके हाथ में होगा तो काफी क्यूट सा लगेगा ये। ये तो एकदम यूनिक में बनाने वाला है, ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं सोच सकता। अगर सिबलिंग टेलीपैथी हो भी गया, अगर उसने बनी बना भी दिया, तो ये फ्लावर्स तो हाथ में नहीं देगा, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। अरे तब तो फ्लावर्स हमें बनाना ही पड़ेगा, अब तो दीदी ने हमें चैलेंज दे दिया है, गाइस फ्लावर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो चलो देखते हैं क्या फ्लावर्स बना रही है, मुझे दूसरा एंगल से देखना पड़ेगा। तो चलो हम दूसरा एंगल देते हैं यहाँ से, यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा, मुझे और दूसरा एंगल की जरूरत है। तो गाइस मैं इधर पहुंच गया हूँ, टेलीपोर्ट
ढो हो के, और यहाँ पर भी ओ अच्छा अच्छा मैं समझ गया, इसने हाथ में ग्रीन ग्रीन दिया। ओके ओके मैं समझ गया, अभी चलते हैं हम अपने इलाके में। दीदी ने इसके हाथ में यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ दिया था, तो मैं भी यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। बाद में देखेंगे कि वो क्या कर रही है, और जब वो थोड़ा बड़ा कर ले तब तक मैं इसको पीछे से एक्सपांड कर लेता हूँ थोड़ा। आयुष तुम्हारा बने रेडी है क्या? ओ नहीं दी, तुम्हारा रेडी हो गया क्या? तुम्हारा रेडी होगा तो मेरा भी रेडी हो जाएगा। बस एक मिनट है मेरा। हाँ तो मेरा भी। तुम्हारा क्या कनेक्टेड है क्या मतलब? देखो यार सिबलिंग टेलीपैथी है ना, वही मैं बता रहा था तुम्हें। अच्छा तो तुम क्या बना रहे हो? मैं अभी नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा, चिंता मत करो दी। ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। यस माय भी। और इसको अभी हम पीछे से कंप्लीट कर देते हैं, तब तक दीदी अपना फ्लावर कंप्लीट कर ले और उसे हम पूरा यकीन दिला देंगे कि सिबलिंग टेलीपैथी होती है, चीटिंग कुछ नहीं होता। हाँ तो गाइस यार ये तो अपना काफी मस्त लग रहा है, ये देखो यार कमाल का लग रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा भर देता हूँ, पीछे से थोड़ा सा काम बाकी है, तब तक आई गेस दीदी का रेडी हो जाएगा। अभी सुनते हैं दीदी क्या बोल रही है। मेरा तो एकदम रेडी है, बस ये कान का थोड़ा सा फिल करना है, तो इसको फिल कर देते हैं और इसके बाद आयुष को पूछते हैं, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, बस हो गया। ओह माय गॉड दीदी का हो गया, काफी टाइम दे दिया मैंने। ये फ्लावर ही तो मेन था, ये फ्लावर ही तो मेन था। मैं देख के आता हूँ फ्लावर क्या बनाया, बाकी तो आई गेस पूरा कम्प्लीट हो गया है। यस तो चलो अभी फ्लावर देखते हैं, एकदम सिबलिंग टेलीपैथी को आज हम प्रूव कर देंगे। ओ ये रहा इसका फ्लावर यहाँ पर। अभी बस सुकार को फिल कर देते हैं फटाफट, पिंक और नीचे ग्रीन। ओके मैं समझ गया, चलो हम अपने वर्ल्ड में चले। ये आ गए अपने वर्ल्ड में, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से फ्लावर बना देते हैं। दीदी ने कुछ ऐसा ही बना रखा था, यस ऐसा ही कुछ था, और यहाँ पर लगा दिया पिंक। हाँ आई गेस एकदम सही बन गया है। तो अभी दीदी को पूछते हैं, दीदी तुम्हारा बिल्ड रेडी है क्या? मेरा तो एकदम रेडी है, मैं तो बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तो दीदी सबसे पहले मैं ही आता हूँ तुम्हारा बिल्ड देखने के लिए, क्या बोलती हो? फिर तुम्हें पता चल जाएगा सिबलिंग टेलीपैथी होती है, चीटिंग होती है, क्या होती है। ठीक है ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो फिर मैं आ रहा हूँ, ये देखो मैं एकदम शरीफ तरीके से आ रहा हूँ, ये देखो मैं आ गया। ओ गुड, और ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये क्या बनाया है? तुमने बनी बनाया है? हाँ देखो कि तू क्यूट सा है ना यार। दी ये क्या हो रहा है? देखा मैंने बोला था ना। और ये देखो मैंने इसके हाथ पे फ्लावर दिया और इसने ना टी शर्ट पहन रखा, पैंट भी पहन रखा, बहुत क्यूट सा बनी है। नहीं क्यूट सा बनी तो है दीदी, लेकिन मैंने बोला था ना वही हुआ, मतलब सिबलिंग टेलीपैथी हो गया है दी, सिबलिंग टेलीपैथी। मैंने भी ऐसा ही बनी बनाया है, मैंने बोला था। झूठ बोल रहे हो एकदम, क्या बोल रहे हो? ठीक है मैं आपकी देखती हूँ, मैं देख के आती हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं देख के आती हूँ। मैंने बोला था यार सिबलिंग टेलीपैथी होती है, ये देखो मेरा बनी एकदम सेम बना है यार। अरे यार ये तो तुमने एकदम सेम बनाया, फ्लावर का कलर भी येलो कैसे हो गया? वही तो मैंने सोचा था अचानक से कि मैं फ्लावर बनाता हूँ ताकि यूनिक लगे, बिल्कुल भी किसी को पता न चले। और ये टी शर्ट का कलर कैसे सेम हो सकता है बिल्कुल? वही तो देखा दी, मैंने बोला था ना सिबलिंग टेलीपैथी होती है, एकदम सेम बन गया। नहीं लगता है यार ऐसा ही है यार, हो सकता है तुमने पक्का कहीं ना कहीं चीटिंग करी है। अरे कुछ नहीं किया, मन में क्लास होगा ये। अरे अरे ये क्या है? अरे यार ये क्या है? इसके अंदर जाऊं क्या मैं? ओ ओ ओ अरे ये क्या, तू यहाँ पे मेरे साइड में कैसे आ गया? मैं वहाँ से, ये क्या था? ये शर्ट था क्या? ओ ये रहा तू, ये क्या है? ये मेरे को नहीं पता ये क्या है, कर रहा था नहीं ओ भाई चीटर, मैं तो चला ओए ये देखो कैसी अनोखी चीजें बना रखा है तुमने। ये इधर मैं, ये देख इधर से उधर, और ये मैं तो गया। रुक भाई रुक, मैं तो गया। क्या मैं तो गया? ओए ओरे ऐसे चीटिंग किया इसने। तो गाइस लास्ट वीडियो में दीदी मोटी हो गई थी, मैंने उसे पतला करने में हेल्प किया था, तुम लोगों ने वो देखी थी क्या? दीदी तो एहसान भूल जाती है, तुम लोग जाके देखो, जाओ जाके देखो। चलो हम लोग वीडियो जाके देखो उस वीडियो में। बाय बाय चीटर कहीं के।